शांति 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 भैया। अरे बोला भैया कहाँ है? हाँ भाई एक बात समझ लो, हम लोग टोरेंट बाबल से लड़ रहे हैं, शहर के लिए भी लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं। इन लोगों ने 19 गांवों में इल्लीगल लाइन पूरी बिछा दी है और दसियों साल से लाइट देने का काम कर रहे हैं। मानो किसी ने अपनी एक दुकान खोली हो तो उसने 10-5 लाख रुपया वहाँ में लगाया हुआ है, अब सोच रहा है कि साल दो साल रुक जा भाई, अभी तो ग्राहक बनेंगे। तो आपको ये बिजली जो ये लोग दे रहे हैं ना, ये जो आपको 192-200 रुपए का बिल देते हैं, ये लालच दे रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग इसका विरोध नहीं करें। कल जब लाइन अंडरग्राउंड डाल जाएंगे और जैसे ही एक महीने का बिल तुम्हें भेजेंगे 2200 का, 2500 का, 3000 का, और तुम कहोगे हम नहीं भरेंगे ऐसा बिल, तो तुम्हारा आएगा एक तार काट के चला जाएगा। उसके बाद तुम जम्फर वम्फर नहीं डाल सकते हो, वो तो अंडरग्राउंड है, उसे छेड़ोगे तो एक आदमी, वैसे कोई किसी की आज मदद नहीं करता है तो एक आदमी की कोई मदद गांव में करेगा नहीं। आज मौका है सबको एक होने का, क्योंकि पूरे गांव में अंडरग्राउंड हो रही है लाइट। आज एक हो जाओगे तो कोई परमिशन नहीं है, वो तुम लोग मजबूती से अगर साथ दोगे तो कोई भी काम यहाँ तुम्हारे इस गाँव में नहीं हो सकता। इल्लीगल डाली है पूरी लाइन इन लोगों ने 19 गांवों में, हम लोग 19 गांव को इकट्ठा करेंगे और इनको पूरी अंडरग्राउंड हो चाहे बाहर की ग्राउंड हो, सबको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे अगर आपका पूरा गांव हमारा सहयोग करेगा तो। ऐसे ही ये लोग पहुंच गए थे यहाँ करवना कुआ खेड़े के जो और गांव है, माठोजोग से डाल रहे थे, 8 दिन से वहाँ का गांव का एक आदमी नहीं बोला, पूरे गांव में अंडरग्राउंड लाइन डाल दी इन्होंने। 8वें दिन इन लोगों ने, करवना वालों ने हमको बुलाया और हम पहुंचे। 9वें दिन से वहाँ काम नहीं छिड़ा है, बिल्कुल काम बंद पड़ा है। जय अधिकारी वहाँ पहुंचे, जय हम जाते लौटे। अरे बाबा तुम्हारे संगे इतना सो काम कर लियो, काम छिड़ने मत देना। कल मैं अधिकारियों से मिलता हूँ, 4-6-10 लोग कल मंदिर पे आ जाना, फिर अधिकारियों से मिलते हैं और उसके बाद अगर चाहे पूरे गांव को धरने पे बैठना पड़े, चाहे संघ होना पड़े, चाहे गिरफ्तारी देनी पड़े, लेकिन सब संघ होंगे, सबसे पहले हम देंगे भाई जी हम जिम्मेदारी।